अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं सना जावेद एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव फ्रॉम अब्दुल्ला सिटी आप सबसे मुखातिब हूँ। आज आप मुझे अपनी स्क्रीन से शायद पहली दफ़ा देख रहे होंगे, लेकिन अपनी इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें अब्दुल्ला सिटी के बारे में आपसे शेयर करूँ जो हेल्पफुल प्रूफ होंगी फ्यूचर में आपके लिए, वो उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं अब्दुल्ला सिटी में, या उन लोगों के लिए जो अभी सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, या जिन्होंने ये चीज़ सोच रखी है कि उन्हें अब्दुल्ला सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं कोशिश करूँगी कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल यानी मददगार साबित हो, परचेजिंग करने के हवाले से उनका माइंड थोड़ा सा क्लियर हो सके। आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पढ़ ही लिया होगा, आपको आइडिया हो ही गया होगा कि आज वीडियो का टॉपिक क्या है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि वाई टू इन्वेस्ट इन अब्दुल्ला सिटी, मैं अब्दुल्ला सिटी में इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ। बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त स्टार्ट हुए हुए हैं, तो मैं अब्दुल्ला सिटी में इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ, उन सारे प्रोजेक्ट्स को छोड़ के मैं अपने पैसे अब्दुल्ला सिटी में क्यों लगाऊं। तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है अब्दुल्ला सिटी में इन्वेस्टमेंट करने का कि क्यों की जाए, वो ये है कि बाज़ औक़ात या अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि सोसाइटीज़ जब स्टार्ट होती हैं, खसूसन जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं वो स्टार्ट होती हैं, तो उनके पास लैंड जो है वो टोटली एक्वायर्ड नहीं होती, यानी उनकी पाइपलाइन यूँ सेट हुई होती है कि लैंड हम साथ साथ परचेज़ करते रहेंगे, हमें जब मज़ीद एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम साथ साथ परचेजिंग करते रहेंगे लैंड की। और अक्सर औकात ऐसा होता है कि वो लैंड उन्हें मिल नहीं पाती है, या बाज़ औकात सोसाइटीज़ इसी वजह से फ्लॉप हो जाती हैं क्योंकि उनके पास लैंड पूरी नहीं होती है। तो अगर एज़ कम्पेयर टू अब्दुल्ला सिटी, अगर अब्दुल्ला सिटी की बात की जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला सिटी के पास जितनी लैंड है वो सारी एक्वायर्ड है, यानी ओनर हैं आसिम अजीज़ साहब, उनके पास ये लैंड टोटली जितनी भी है वो उनकी ज़ाती मलकियत की है। यानी आप अब्दुल्ला सिटी के किसी भी हिस्से में आज परचेजिंग अगर करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पोजीशन में हैं कि हम आपको ज़मीन का जो ट्रांसफ़र है, इंतकाल है, वो दे सकते हैं। और इसके साथ साथ मज़ीद हमारे पास लैंड इतनी ज़्यादा एक्वायर्ड है, यानी अगर एवरेज देखी जाए तो तकरीबन ये 25,000 कनाल से ज़्यादा है, जिसमें यह है कि 10,000 कनाल का जो रकबा है वो हम लोगों ने स्पेसिफिक किया हुआ है फार्म हाउसेज़ के प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके अलावा 15,000 कनाल ऐसा रकबा है रिहायशी और कमर्शियल, यहाँ पे हम लोगों ने अपने प्लॉट्स की कैटेगरी सेट की हुई है कि वो रिहायशी और कमर्शियल वाला हिस्सा है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह लैंड हमारे पास इतनी ज़्यादा है कि मज़ीद भी इसमें ब्लॉक्स हम लोग लॉन्च करना चाहें तो फ्यूचर में इन केस अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम मज़ीद भी जो ब्लॉक्स हैं वो लॉन्च कर सकते हैं। रोड की एक साइड पर हम लोगों के पास 3 ब्लॉक्स हैं ABC, जिसमें टोटली जो है वो बुकिंग कंप्लीट हो चुकी है, वहाँ पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कर दी है। और उसमें ये है कि अभी आइंदा आने वाले कुछ अरसे में हम लोगों को पोजेशन वगैरह भी अलॉट करेंगे, जिसमें वो ये है कि अपनी कंस्ट्रक्शन वहाँ पर स्टार्ट करना चाहें तो कर सकेंगे। बाकी है कि रोड के अपोजिट साइड पर भी मज़ीद एक्सटेंशन हुई है, जिसमें हम लोगों ने 6 ब्लॉक्स अभी लॉन्च किए हैं, और उसमें हमारे पास ब्लॉक्स में कैटेगरीज इस तरह से सेट हैं कि हमारे पास रेजिडेंशियल में है 5 मरला, कम से कम 3.5 मरला की भी हम लोगों ने रिसेंटली लॉन्चिंग की है, उसके बाद 5 मरला है, 10 मरला और फिर 1 कनाल है रेजिडेंशियल में। कमर्शियल की अगर बात की जाए तो कमर्शियल में हमारे पास मिनिमम 3 मरला है, 8 मरला कमर्शियल मौजूद है और 1 कनाल कमर्शियल है। फार्म हाउसेज़ है हमारे पास 3 कनाल, 5 कनाल, 8 कनाल और 16 कनाल के फार्म हाउसेज इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं ये कटिंग, जिसमें बुकिंग्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि लैंड के हवाले से। चलें, एक चीज़ तो आपको ये क्लियर हो गई ना कि अगर आप अब्दुल्ला सिटी में परचेजिंग करते हैं तो आइंदा आने वाले सालों में आपको कभी भी फ्यूचर में लैंड का यानी ज़मीन का कोई इशू नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम कमिटमेंट करेंगे वो डिलीवर भी करेंगे, यानी ज़मीन हमारे पास टोटल कम्प्लीट है, कभी भी आपको ये इशू नहीं आएगा कि आपको ज़मीन नहीं मिलेगी। ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला सिटी के पास कम्प्लीट मौजूद है, जो हमारा मैप सेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग सारी ज़मीन हमारे पास है। बाकी ये वाली चीज़ आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए अभी कि आपको कभी भी ज़मीन का मसला कोई भी फ्यूचर में नहीं आएगा। तो उस हवाले से अब्दुल्ला सिटी में आपको इन्वेस्टमेंट इस वजह से भी करनी चाहिए क्योंकि ज़मीन हमारे पास मौजूद है। बाकी ये है कि प्राइसेस के हवाले से कैसे ये अफोर्डेबल है, आप कौन कौन से कैटेगरीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको फ्यूचर में इसका क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपके लिए ये वाली एक कॉमन पर्सन यानी एक सैलरीड पर्सन उसके लिए ये इन्वेस्टमेंट अब्दुल्ला सिटी में कैसे अफोर्डेबल है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया।